अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यार, आपको कल का व्लॉग कैसा लगा आप लोगों ने बताना है। और बजीज वगैरह आपने देख ली हैं, इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ठंडी हवा चल रही है आज, ठीक है। अभी चलते हैं अपनी मुर्गी की तरफ जो अंडों पर बैठी है, उसको हम बाहर निकालते हैं, उसको दाना वगैरह खिला देते हैं। क्योंकि कल सारा दिन वो बैठी रही है, मैंने नहीं उठाया उसे और उसने उठने की कोशिश भी नहीं की और वो उठेगी भी नहीं, मैं जानता हूँ। अभी हम उसको निकाल लेते हैं बाहर और उसको दाना वगैरह खिलाते हैं, फिर चलते हैं हमारे पेड़ के पास और आपको एक आज गुड न्यूज़ भी देंगे, ठीक है। और वो उधर जाने पर ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी निकाल लेते हैं अपनी हम मुर्गी को। तो ये देखें फ्रेंड्स, अभी तक ये बड़े ही आराम से बैठी हुई है और अंडों को इसने कितने अच्छे से कवर किया हुआ है। अभी हम इसे उठाते हैं और इसको निकाल लेते हैं बाहर, ताकि ये पानी वगैरह भी पी ले और दाना वगैरह भी खा ले। और कुछ देर इसको खुला ही रखेंगे, थोड़ा सा घूम लेगी। हमारी मुर्गी को प्यास काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, ये देखें नल के नीचे आके खड़ी हो गई है। अभी हम डालते हैं पहले इसको पानी, ताकि ये पानी वगैरह पी ले, फिर इसको दाना भी साथ ही रख देंगे, खा लेगी। ये हमारी ज़रा मुर्गी का काम चेक करें भाई, दीवार के ऊपर खड़ी हो गई है। की मसला है भाई तेनू, इत्थे की कर रही है। चलो उधर चल जाओ उधर। मोरनी है जी, मोरनी पूंछ चेक करें, मोरनी है ये हमारी, मोरनी है ये। गाइस ये काटती है आगे से अब। ओ नहीं है भाई, चलो इधर पानी पी। ओके तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपनी इस मुर्गी को दाना वगैरह खिलाकर पेड़ के पास चलते हैं, अपने दूसरे पेड़ के पास, और वहाँ पे जाके आपको एक गुड न्यूज़ भी देते हैं, ठीक है। और वहीं पर जाकर अब आपसे मिलते हैं और मैं इसे जल्दी से दाना पानी खिला कर पिला कर इसको अंडों पे बिठा देता हूँ, तो फिर आपके साथ वहाँ पर जाकर बात करते हैं। Thank you.
तो गाइस आ गए हम अपने पेड़ के पास और इस बंदर ने शोर डाला हुआ है। तो आपको जो गुड न्यूज़ देनी थी हमने वो ये थी, वो देखें ज़रा मुर्गी के काम चेक करें ये क्या कर रही है। आप लोगों को पता चल गया होगा, जगह ढूंढ रही है भाई। क्या देने के लिए? अंडा देने के लिए। और आज इसका दूसरा अंडा होगा और पहला अंडा आपको दिखा दें। चेक करें जनाब, अंडा चेक करें, अंडे का साइज़ चेक करें। ये होती है मुर्गियों की क्वालिटी, अच्छे वाली जो नस्ली मुर्गियाँ होती हैं उनके अंडे की शेप, अंडे का साइज़ कमाल का होता है। और वो देखें, ये दिल खुश कर दिया भाई इस मुर्गी ने। कल मैंने इसे हाथ में पकड़ा था और जब मैंने इसकी मजबूतियाँ गंठ जोड़ चेक किए ना, तो यकीन माने दिल खुश हो गया। जैसे ही हमारी जो उस मुर्गी के, मेरे ख्याल से ये 12 या 13 अंडे ये मुर्गी देगी और इसको भी फिर हम बिठा देंगे, तो बच्चे इनके 12-13 दिन के वक्फे में निकलेंगे और कोशिश होगी कि अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी की किए रखे, ये तंदुरुस्त रहें। आपने भी दुआओं में याद रखना है और कमेंट बॉक्स में भी इनके लिए दुआ करनी है आपने, ठीक है। और मुर्गा साहब पता नहीं की नहीं यार, उन्होंने अंडा तो दे लैन दे सर जी, इसकी मुहब्बत बड़ी है। सही गल है, मैं तुम्हें दसन मैं लागे नहीं सी आंदे रे। तो गाइज हमारे मुर्गे की ना, मुर्गी के साथ मोहब्बत ही बड़ी है। इतनी मोहब्बत इसकी वो पहली मुर्गी के साथ भी नहीं थी जितनी मोहब्बत इसके साथ है। पता है क्यों है? आप बता सकते हैं बिग ब्रदर क्यों है इसकी मोहब्बत? क्योंकि ये वफादार है उसके साथ। दूसरी मुर्गी क्या करती थी? वो उसको खाती थी, उसके पंख खाती थी, उसको दर्द तकलीफ देती थी, वो भी मारता था आगे से इस पर। वो देखे वो उसे कह रहा है, रो मत रो मेरे दिल, चुप हो जा। बस ये थोड़ी देर में अंडा दे देगी, जैसे ही अंडा देती है आपके साथ फिर वो भी शेयर करते हैं दूसरे अंडे की। वो ओहो गई 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 भाग गई। टूटना जावे गल्ला आ रही है तुहानू। अच्छा गाइस जैसे ही ये मुर्गी अंडा देती है फिर आपको हम दिखाते हैं। वाश वाश। और ये किसी भी कलर का कपड़े के पीछे लग जाता है। वाश 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 वाश। क्या हो गया काके? क्या हो गया? चुप चल, आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ। ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वाश वाश बंद करो मना हाथ। गाइस मुर्गी को किया हुआ है हमने बंद, देखें अभी तक उसने अंडा नहीं दिया। तो यार काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई, अभी मैंने जाना है घर, तो मैं जाता हूँ घर। कल के व्लॉग में आपके साथ सारी बातें शेयर करूँगा, अभी के लिए दें मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।